कोरोना के मुश्किल समय में जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, हर तरीके की मदद कर रहे हैं, ऐसे में आज हम पहुंचे हैं द्वारका के इस्कॉन मंदिर में, जहां पर दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस्कॉन मंदिर एक फूड प्रोग्राम चला रहा है। यहां से प्रतिदिन 5 लाख जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाता है। और आज हम दिखाते हैं आपको उस किचन का नज़ारा जहां पर डे 5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। ये वही किचन है जहां पर प्रतिदिन 5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दाल है वो तैयार की जा रही है, अलग अलग तरीके की जो सब्जियां हैं वो तैयार की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात इस किचन की ये है कि यहाँ पर जो भी मसाले हैं वो पूरी शुद्धता के साथ डाले जाते हैं, यानी कि पूरे जो हर्ब्स हैं उनको डाला जाता है जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में सहायक होते हैं। देसी घी में ये पूरा खाना बनाया जाता है। इस्कॉन के जितने भी सदस्य हैं वो खुद इस खाने को बनाते हैं। अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु जी जो हैं वो हर्ब्स डालते हुए सब्जी में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देसी घी भी डाला जा रहा है, शुद्धता के साथ पूरा खाना बनाया जाता है। मैंने हर्ब्स की बात की तो अगर आप देखेंगे तो हर्ब्स भी यहाँ पे जाते हैं, डाले जाते हैं, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जो भारतीय मसाले हैं वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करके ये पूरा खाना बनाया जा रहा है। छोले, राजमा, दाल, तरीके तरीके के जो व्यंजन हैं वो बनाए जाते हैं और यहाँ बनने के बाद उनको पैक करके जगहों पर भेजा जाता है। करीबन जो साउथ दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर भेजा जाता है। पर डे 5 लाख लोगों तक ये खाना पहुँचाया जाता है। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग इस खाने को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। करीबन 100 वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेन की गई है। और आपको दिखाएं तो सामने अगर आप देखेंगे इस्कॉन फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, तो ये जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, क्योंकि कोरोना का मुश्किल समय है, ऐसे में सबसे बड़ी मदद ये है कि ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। इस्कॉन मंदिर के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। प्रतिदिन 5 लाख लोगों तक ये खाना पहुँचाया जाता है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़18 दिल्ली। इस्कॉन मंदिर में जो फूड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो लोग ये खाना बनाते हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि वो कितनी तैयारी इस खाने को बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है प्रतिदिन 5 लाख लोगों तक खाना पहुंचाना। प्रभु जी ये बताइए कि प्रतिदिन यहाँ से 5 लाख लोगों को खाना पहुँचाया जाता है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने बजे आप लोग उठते हैं? हम इसके लिए मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठते हैं और करीब हमारे यहाँ पर 210 चूल्हे डेली चलते हैं और इसके अंदर हमारे पास 450 हलवाई हैं, कुक्स हैं, जिसमें से कुछ हमारे जब आप खाना बना रहे थे तो यहाँ पे हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, तो किस तरीके से खाना बनाया जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या कुछ रहता है? बेसिकली हम जो है जैसे कोविड-19 है उसको देखते हुए ऐसे हर्ब्स डालते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम खाने वाले का अच्छा रहे। इसके लिए हम दालचीनी